यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में ही, ठीक है। चलिए, तो क्लास की रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन कर दी है, हेलो सर। अभी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए लगा कि लीव हो गए आप गलती से। हाँ तो आवाज आ रही है मेरी ना? यस मेरी सर, आवाज आ रही है? हाँ, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब ऐसा करिए, आप लोग से बस यही जानना था कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। अब आप लोग सभी लोग अपने माइक को बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, ठीक है ना? नहीं तो मैं अपने यहाँ से म्यूट कर लूंगा तो फिर आप बोल नहीं पाएंगे, ठीक है? अभी भी आवाज आ रही है कहीं कहीं से। तो एवरीवन जस्ट पुट योर माइक ऑफ, अनम्यूट, म्यूट कर लेंगे अपने आप को। जब मैं कुछ पूछूंगा तो जिससे पूछूंगा वो बताएंगे, ठीक है? ओके, वेरी गुड। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या होता है? जैसे इसके पहले वाले चैप्टर में आपने सेल के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना? सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सेल को हम कहते हैं कि वो हमारे शरीर का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। तो क्रियात्मक यानी हर फंक्शन जो होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एवरी फंक्शन विल टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। संरचनात्मक इकाई है यानी हमारा शरीर जो है वो सेल से मिलकर के बना हुआ है। तो हमारा शरीर सेल से मिलकर के बना हुआ है, तो सेल स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। अब आपको बताएं कि हर एक ऑर्गेनिज्म में, जैसे सेल है तो सेल प्लस सेल अगर मिले तो क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं। टिश्यू से टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गन से क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और तब उससे क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म बनता है, जैसे हम हैं, आप हैं, सारे लोग हैं। तो इनसे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो सेल से सेल मिलकर के टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और जो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जैसे हमारे बॉडी में है। अब बात करो तो बड़े सारे ऑर्गन सिस्टम है, एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये सारे के सारे सिस्टम्स हैं जो हमें अलग अलग तरीके के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मदद करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि टिश्यू, टिश्यू का एक डेफिनेशन क्या होगा। तो टिश्यू क्या होते हैं? द ग्रुप ऑफ सेल्स, द ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच एवरी सेल इज सिमिलर इन ऐसा एक ग्रुप सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल इन विच ऑल द सेल्स आर सिमिलर इन ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें सेल्स जिनकी ओरिजिन एक ही है। ओरिजिन का मतलब क्या है? ओरिजिन का मतलब है ये चीज हमको जानना है कि सेल का जो ओरिजिन है कैसे बने हैं, कहां से बने हैं, वो एक जैसा है, स्ट्रक्चर एक जैसा हो। अगर ओरिजिन और स्ट्रक्चर एक जैसा होगा तो उनका जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा? एक जैसा होगा, ठीक है? तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। इस टिश्यू को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा,
क्या कहते हैं इसको, काउंट टिश्यू कहते हैं, नाड़ी टिश्यू, ठीक है ना। और दूसरे को कहते हैं हम लोग एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। ये दो तरीके के हमारे पास में टिश्यू है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे प्लांट का और एनिमल का, तो मन में ये आपके आएगी प्लांट के अंदर जैसे टिश्यूज पाए जाएंगे, अंदर जो टिश्यूज का स्ट्रक्चर होगा क्या वो एनिमल टिश्यू से अलग होगा? जी हाँ, बिल्कुल अलग होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि प्लांट को आप जानते हो कि प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ऐसे बड़े सारे प्रोसेसेस हैं जो एनिमल की बॉडी में होते हैं लेकिन प्लांट के बॉडी में नहीं होते। जैसे आप लोकोमोशन करते हैं लेकिन प्लांट के अंदर में लोकोमोशन यानी मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। बड़े लोअर ऑर्गेनिज्म है, कुछ एल्गी है जिनके अंदर में कुछ मूवमेंट के लिए मोटाइल ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनको फ्लैजिला कहते हैं, जिसकी मदद से वो चल फिर सकते हैं, लेकिन वो काफी लोअर ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक है, छोटे से हैं, वो चल नहीं सकते हैं। आपने कभी ऐसा देखा होगा नहीं कभी कि घर के पास जो नीम का पेड़ है या आम का पेड़ है रात को या दिन में कभी अपने मन से घूमने टहलने निकल गया, ऐसा कभी देखा है आपने? नहीं देखा है। तो प्लांट जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, रेस्ट की कंडीशन में होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। तो उनको क्या है कि उनके पास में ज्यादातर जो टिश्यूज होते हैं जिससे उनका शरीर एक प्लांट बॉडी मिल करके बना होता है, वो सारे के सारे ज्यादातर डेड सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। डेड सेल क्यों होते हैं भाई? डेड सेल इसलिए होते हैं क्योंकि प्लांट तो कहीं आगे पीछे भागने वाला नहीं है। आप एनिमल हैं, आप ह्यूमन बींग्स हैं, तो अगर कोई आपको कुल्हाड़ी लेके दौड़ाए तो आप क्या जगह पर खड़े रहेंगे कि आओ काट मुझे? लेकिन प्लांट को तो वहीं पर खड़ा रहना पड़ता है, कुल्हाड़ी लेके आए, आरी लेके आए, कुछ भी लेके आए, वो आकर के प्लांट को काट सकता है। लेकिन हम तो भाग सकते हैं ना, हम अपनी जान बचा सकते हैं लेकिन प्लांट नहीं बचा सकते हैं। तो मैंने कहने का मतलब है कुल्हाड़ी से तो काटने वाला जब आएगा तो पेड़ को काट के ही जाएगा, वो प्लांट कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन सनलाइट, हीट, रेन, ह्यूमिडिटी वगैरह वगैरह जो एटमोस्फेरिक जो फैक्टर्स है हमारे, उन सबको प्लांट को एक ही जगह पे खड़े खड़े बर्दाश्त करना, तो इसलिए उनके पास जो उनके बचाव का तरीका है वो क्या है कि ऐसे सेल्स बाहर की तरफ रहे या उनके प्रोटेक्शन में मदद करे जो कि डेड हो। तो डेड रहेंगे तो उसका कोई असर ही नहीं पड़ेगा। जैसे प्लांट की बाग्स वगैरह जो छाले होती है प्लांट के ऊपर में, वो भी उसके प्रोटेक्शन में उसकी मदद करती है, ठीक है। तो ये प्लांट टिश्यू होते हैं और एनिमल टिश्यू ज्यादातर जो टिश्यूज होते हैं एनिमल के, वो ज्यादातर लिविंग होते हैं। तो प्लांट के ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर डेड ड्यू टू प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, कई तरीके के फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलना पड़ता है, तो लिविंग रहेंगे तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और उस एनर्जी की मदद से क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चल पाएंगे, तो वो एनिमल टिश्यू कहलाता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू दो तरीके, प्लांट टिश्यू कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके होते हैं। एक को कहते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू, इसको क्या कहते हैं? मेरिस्टमैटिक टिश्यू और एक को कहते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू, कहते हैं उसको परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमैटिक टिश्यू है परमानेंट। तो मेरिस्टमैटिक टिश्यू यानी ऐसे टिश्यूज, हिंदी में इसे कहते हैं विभाजित होने वाले, यानी ऐसे टिश्यूज जिनके पास में डिवीजन की एबिलिटी होती है, दे हैव एबिलिटी ऑफ द डिवीजन। अगर सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा? सेल डिवीजन होने से क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ होती है। आप जितने बड़े पैदा हुए थे क्या आज उतने ही बड़े हैं आप? नहीं,
क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में लगातार सेल्स का डिवीजन होता है और उन सेल डिवीजन से आपकी बॉडी का ग्रोथ होता है, आप आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये प्लांट के ग्रोइंग रीजंस में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? ग्रोइंग रीजन। प्लांट के दो ग्रोइंग रीजन है, स्टेम और रूट। तो स्टेम ऊपर की तरफ ग्रो करता है और रूट नीचे की तरफ धरती की तरफ ग्रो करता है। तो प्लांट जितना लंबा होता जाएगा उसके स्टेब्लिशमेंट के लिए उतनी ही अंदर तक, उतनी ही गहराई तक या उतने ज्यादा एरिया में रूट फैलेगी, जिससे रूट जो है प्लांट को क्या करेगी, सॉइल में फिक्स करके रखेगी और वो कोलैप्स नहीं हो पाएगा, गिर नहीं पाएगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनके पास में डिवीजन की एबिलिटी होती है, और ये तीन तरीके के होते हैं। एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। एपिकल यानी जो प्लांट या टिश्यूज के या रूट के सबसे ऊपर पाए जाते हैं, एकदम पीक कहते हैं। जो बीच बीच में पाए जाते हैं उनको इंटर, जो साइड साइड में पाए जाते हैं उनको लैटरल कहते हैं, और जो बीच बीच में पाए जाते हैं बीच के हिस्सों में, मैं बताऊंगा जब पढ़ेंगे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में तो आपको बताऊंगा सारा, तो उनको हम लोग इंटर कैलरी कहते हैं। ये तीन तरीके और इंटर कैलरी, इन सबको आप नोट करते चलेंगे कॉपी लेकर के, क्योंकि अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अपने अगले क्लास में मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा मैथमेटिक्स में, तो इन सबको नोट करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सब भी कभी कभी पूछ देता है। जैसे मैंने बनाया हुआ है ना, ऐसे ही बना करके दे देता है और खाली जगह पे भरना होता है कि कौन सा क्या आएगा, समझ में आ रहा है ना। ये जो परमानेंट इशू होते हैं, परमानेंट इशू क्या होते हैं, नाम ही परमानेंट, स्थायी ऊतक कहते हैं, ये स्थायी होते हैं। परमानेंट मतलब क्या होता है, अब ये हटने वाले नहीं है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू का फर्क होता है। जब सेल्स उनके पास में पहले ये लगातार डिवाइड और रीडिवाइड लेकर के आते, अगर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने डिवीजन की एबिलिटी को लूज कर दे, यानी अगर ये डिवाइड होना बंद हो जाए, तो डिवाइड होना बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दे विल कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। तो ये परमानेंट टिश्यू दो तरीके से होते हैं, एक तो हम कहते हैं सिंपल परमानेंट और एक को कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल का मतलब जैसे साधारण, तो सिंपल का मतलब यानी एक ही तरीके के सेल होंगे, सिंपल होगा, एकदम सिंपल। तो जो भी इसमें कैटेगरीज हम लोग बांटेंगे उन सबके पास में एक जैसे ही सेल्स होंगे, सबके पास में, यानी टिश्यू ऐसा होगा जिसमें एक से ज्यादा तरीके के, अलग अलग तरीके के सेल्स नहीं पाए जाएंगे, बल्कि एक ही तरीके का सेल्स मिलेगा। फोन हल्का से नीचे कर दीजिए, नीचे और नहीं आ रहा है। तीन तरीके के टिश्यूज होते हैं, देख लीजिए, पैरेन्काइमा, पोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, नोट कर लीजिएगा। सिंपल टिश्यू तीन तरीके, पैरेन्काइमा, पोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब जब कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो
आवाज आ रही है मेरी? है आप लोग? जिया सर। कोई ये काम कर रहा है? यस सर। यस सर। प्रशांत, प्रशांत बोलो। रोल नंबर 12 प्रशांत, आवाज आ रही है? जी सर जी। हेलो। यस सर, आ रही है आवाज? आ रही है। 33 समीर, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है मेरी? जी आचार्य। हेलो सर, आ रही है समीर? आवाज नहीं आ रही है सर? आ रही है आवाज? आ रही है, आ रही है सर। चलिए चलिए ठीक है, आवाज आ रही है। चलिए माइक बंद कर लीजिए अपना। हाँ, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? माने हार्ड स्ट्रक्चर हो, कंपाउंड हो, यौगिक हो। तो यहाँ पर मैंने बोला सिंपल किसी तरीके के सेल्स मिलेंगे, इसलिए इनको सिंपल कहा। और कॉम्प्लेक्स किसको कहेंगे? जिसमें दो या दो से ज्यादा तरीके के सेल्स मिले उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हम लोग पढ़ेंगे जाइलम एंड फ्लोएम, ये दो। ये प्लांट वाला ये हमारा ग्रुप हो गया, इसको आप तैयार कर लेंगे, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है ना बेटा? इसको अच्छे से नोट कर लो आप लोग, इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है ना? इसको अच्छे से नोट कर लो, पूरा ये कैसे डिवीजन है पूरा कर। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा है कि कहीं पे छोड़ देगा परमानेंट टिश्यू, कहीं सिंपल में कोलेनकाइमा छोड़ देगा, और उसको भरना होगा आधा एक नंबर के लिए ये मिल पाएगा। तो ये प्लांट टिश्यू हो गए, आप लोग इसको नोट कर लेना, मैं आपको दो मिनट का समय दूंगा, या स्क्रीनशॉट ले लेना आपको। आगे बढ़ते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को मैंने बताया कि एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, ज्यादातर एनिमल टिश्यूज कैसे होते हैं? मोस्ट ऑफ द एनिमल टिश्यूज आर लिविंग, ज्यादातर एनिमल टिश्यू लिविंग होते हैं। अब ये अलग अलग काम करते हैं, तो इसलिए टिश्यूज का नंबर जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा, अलग अलग तरीके का, ठीक है ना? तो देखते हैं कौन। पहला है हमारा एपिथीलियम, पहला टिश्यू क्या है? एपिथीलियम टिश्यू, एपिथीलियम टिश्यू। अब ये जो टिश्यूज होते हैं ये किसी भी ऑर्गन के बाहरी सरफेस पे या अंदर के सरफेस पे पाए जाते हैं, और इनका काम क्या होता है? ऑर्गन को प्रोटेक्शन देने, जैसे हमारी स्किन के ऊपर, हमारे गाल के अंदर। कभी कभी आप देखते हो, कभी ब्रश करते हो तो आपका गाल कट जाता है, या कुछ खाते हैं तो गाल कट जाता है, और जब आप देखोगे कई बार ऐसा होता है कि दांत उससे आप निकालोगे या जीभ से टच करोगे तो लगेगा कि अंदर कुछ सेल्स या टिश्यू जो है वो कट करके लटके पड़े हैं उसी में, थोड़ा सा एकदम झिल्ली की तरह, जैसे प्याज की झिल्ली होती है ना वैसे। तो वो अंदर वाले गाल का स्ट्रक्चर या हमारे स्किन का स्ट्रक्चर, ये सब कौन बनाता है? एपिथेलियल टिश्यू बनाता है, ठीक है ना? तो पहला हो गया हमारा एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा हमारा मस्कुलर टिश्यू, अलग अलग तरीके का मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करेंगे, जैसे स्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड और कार्डियक, ये तीन अलग अलग तरीके के। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सर, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। कनेक्टिव टिश्यू, इसमें हम लोग बात करेंगे, कई तरीके के टिश्यू आते हैं ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। तो बड़े सारे आ गए ना टिश्यूज, इसमें बड़ा लंबा चौड़ा है ये टॉपिक, तो पढ़ना पड़ेगा, ये लंबा चौड़ा टॉपिक है।
ठीक है, दिखाई दे रहा होगा मुझे, समझ में आ रहा है सबको? तो ये सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एरियोलर टिश्यूज क्या होते हैं, उनको पैकिंग टिश्यू भी कहते हैं। हमारे शरीर में जो खाली जगह होती है ऑर्गन से ऑर्गन के बीच में, उस जगह पे एरियोलर टिश्यूज पाए जाते हैं। लिगामेंट क्या होते हैं, जो हमारे बोन को खून के साथ में जोड़ के रखते हैं। टेंडन क्या होते हैं, जो हमारे बोन को मसल्स के साथ में जोड़ के रखते हैं, ठीक है ना। तो ये उन सब के बारे में जानेंगे, बोन क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। हम लोग बात करेंगे ब्लड और लिम्फ के बारे में, ब्लड क्या होता है, लिम्फ क्या होते हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। और ये सब कुछ सबका तरीके के टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है, कनेक्शन, संयोजन करे कि ये, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बात की कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में बात किया ना, तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक से ज्यादा तरीके के सेल्स होते हैं। वैसे कनेक्टिव टिश्यू में भी जो भी टिश्यूज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे, उन सब में हम देखेंगे कि एक से ज्यादा तरीके के सेल्स जो है उनमें पाए जाते हैं, इसीलिए उनको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। संयोजन है उन सब, अलग अलग टिश्यू मिल करके ये क्या बनाए हैं, ये संयोजी ऊतक बनाए, ठीक है, तो ये कनेक्टिव। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में, एपिथेलियम, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस, ये चार अलग अलग तरीके के टिश्यू है। ये नर्वस टिश्यू क्या करता है भाई, पूरा हमारा नर्वस सिस्टम बनाता है, ब्रेन, स्पाइनल कोर्ड से मिल करके जो पूरा सिस्टम हमारा चलता है, जिससे हम देखने, सुनने, किसी चीज को टेस्ट करने की क्षमता हमारे अंदर आती है, किसकी वजह से आती है, न्यूरॉन्स की वजह से आती है, नर्वस कंट्रोल की वजह से आती है। तो ये एनिमल के लिए है। तो ये मैंने पूरा यहाँ पे आपको चार्ट के माध्यम से आपको पूरा एक इंट्रोडक्शन दे दिया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है ना, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ये जरूरी है, ठीक है ना, आपके लिए भी जरूरी। सारी चीजों के बारे में बड़ी अच्छी सी जानकारी मिल पाए। सर साइड हट जाइए, बिल्कुल नहीं आ रहा, इधर होगा, इसको आप लोग नोट कर जी या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अच्छा जी, फिर तो कॉपी लिखेंगे, ओके माय डियर, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर रहे हैं आप लोग? अच्छा जी, फिर कॉपी पे लिख लेंगे ना, कर रहे होंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और उसको प्लीज करके और आपके ग्रुप में शेयर करें, ओके, ग्रुप में शेयर करना, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो ये पूरा एक हमारा स्ट्रक्चर तैयार है। तो आज की क्लास में मैं इतना ही छोड़ता हूँ, ठीक है ना, कल जब हम लोग जुड़ेंगे तो मैथमेटिक्स टिश्यू पढ़ेंगे, अपने साथ हम किताब और कॉपी लेकर के बैठेंगे, समझ में आ रही मेरी बात? मैं अलग से कोई नोट्स आपको नहीं दूंगा, जो भी लिखवाना होगा यहीं पे हम लिखेंगे, बोर्ड के माध्यम से या बोल करके लिखवाऊंगा, जैसे भी लिखवाऊंगा मैं, आप लोग उसको नोट करिएगा, किताब और कॉपी अपने साथ लेकर के बैठेंगे, ताकि आपको कम्प्लीट होता रहे, समझ रहे हैं? आपकी कॉपी हो सकता है स्कूल में जमा होगी चेक करने के लिए, तो रफ कॉपी पे नोट करेंगे, अपने साथ रफ कॉपी लेकर, और जितने आपके दोस्त आज इस क्लास में शामिल नहीं हुए हैं, उन सबको बोल दीजिएगा कि उनका अटेंडेंस लगेगा इसी क्लास की वजह से, और अटेंडेंस जब लगेगा तो ये भी पता चलेगा कि आप कितने देर तक क्लास में थे। जिनका 90% या 90% से ज्यादा दिखाएगा उन्हीं का अटेंडेंस लगेगा, और ऐसे किसी भी बच्चे का अटेंडेंस नहीं लगेगा जो 1%, 5%, 10%, 20% दिखा रहा होगा कि वो क्लास में मौजूद थे। जो लोग ये सोच रहे थे कि क्लास में प्रेजेंट हो जाएंगे फिर गायब हो जाएंगे, तो वैसा नहीं चलने वाला है, पूरे समय क्लास में रहना पड़ेगा। और अपने दूसरे दोस्तों को भी बता दीजिए कि पूरे समय तक क्लास में रहे, तभी उनका अटेंडेंस लगेगा, नहीं तो उसके बाद एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा किसी को भी, ठीक है? तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसका फोटो ले सकते, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग फिर जुड़ेंगे तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया, आप अपने साथ बुक और रफ कॉपी लेकर के बैठेंगे, और सारी चीजें जो भी मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ या समझा रहा हूँ उसको नोट करेंगे, साथ ही साथ मैं नोट्स भी आपको, ओके, टिल देन गुड बाय सर।